भगवान राम सूर्यवंशी थे और उनके कुल का संबंध सूर्य से ही रहा। इसीलिए भगवान राम सूर्योपासना करते थे। रावण से युद्ध के पूर्व जब वे सूर्य को अधर दे रहे थे, तभी महर्षि अगस्त्य प्रकट हुए और उन्होंने भगवान राम को आदित्य हृदय स्रोत की दीक्षा दी। इसी प्रकार हमारे गोत्र हैं, जैसे कश्यप, शांडिल्य, गौतम आदि। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे जाते जाएं, तो हम देखेंगे कि ऋषि भी किसी देवता से निकले, चाहे वे ब्रह्मा जी हों या शिव। इन देवताओं को जो चलाए मान रखती है वह है शक्ति। इस वंश परंपरा अनुसार जिस देवी अथवा देवता से हमारा डीएनए मिलता है, वे ही हमारे कुल देवता या कुल देवी होते हैं। हमारे पूर्वज कुल देवता की ही पूजा किया करते थे और जो मांगना होता वे उन्हीं से मांगते। विशेष पूजा वे अपने कुल देवता के मंदिर में ही करते थे। अन्य देवताओं के मंदिर में वे जाते ज़रूर थे, परंतु विशेष पूजन कुल के मंदिर में केवल उस कुल के लोग ही करते थे। कुल देवता से वे वंश की वृद्धि और सुरक्षा मांगते और कुल की संपन्नता के लिए विशेष पूजन और यज्ञ होते। इसके फलस्वरूप कुल देवता उनके वंश की वृद्धि करते और उनके राज्य और कुल में संपन्नता देते और रक्षा करते। क्योंकि कुल देवता से हमारा आनुवांशिक संबंध होता है, इसीलिए कुल देवता ही हमारे द्वारा दी गई पूजनादि को देवताओं और भगवान तक पहुंचाने का काम करते हैं। यह एक तरह का सेतु है। इस कारण हमारे कुल और परिवार का पहला सुरक्षा चक्र कुल देवता या देवी को ही माना गया है। इन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझिए। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे परिवार के ऊपर आक्रमण करती है, उन्हें सबसे पहले कुल देवता या देवी ही रोकते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा कुछ भी हो सकती है, जैसे रोग, दरिद्रता, उपद्रव आदि। कर्मानुसार अगर कुल के लोग रोग आदि से ग्रसित हों तो भी हो भी जाते हैं, तब भी कुल देवता देवी ही उससे निकलने का मार्ग बताते थे। जैसे जैसे आधुनिक समय आया और देशों ने शत्रुता से आक्रमण किया, यह संस्कृति और ज्ञान लुप्त हो गया। अब तो हमें यह भी नहीं पता कि कुल देवता या देवी का नाम क्या है, और किसी किसी को तो गोत्र ही नहीं पता। इसी आधुनिकता के कारण कुल देवता का पूजन और हवन बंद हो गया, जिसके कारण जो उनका सुरक्षा घेरा था वह क्षीण हो गया। इसके क्षीण होते ही तरह तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर में घुसने लगी। घर में कलह, रोग, शोक, बेरोजगारी, दरिद्रता आम बात हो गई है। अगर गुरु सशरीर है तब तो उनसे दिशा मिल जाए, नहीं तो केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। गुरु तो रक्षा करेंगे अगर हम उनकी छत्र छाया में हैं, परंतु हमारा भी तो कर्तव्य है। जब भगवान राम सूर्य को अधर्य देकर और अपने कुल के देवताओं का पूजन करते हैं और यज्ञादि करते हैं, तब हम क्यों नहीं करें? पुंज जठेरों का वार्षिक महासम्मेलन गराया में संपन्न हुआ, जिसमें देश विदेश से आए पुंज अपने जठेरों के आगे नतमस्तक हुए। पुंज जठेरों का अगला वार्षिक सम्मेलन रविवार 7 अप्रैल 2024 को होगा। जय वडवडेरियां। नहीं दे रखी सारे भ्रावान राम राम। अज हर साल की तरह पंज जठेरिया का मेला, पंज अते वासदेव जठेरिया का मेला बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है, जिस विच झंडे की रसम तो बाद हुण लंगर की शुरुआत हो गई है। सारे नूं बेनती है लंगर छक के जाना। मिल गया।
संगत लई लंगर पैक हो रहा है। ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੈ 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 ਜਰਾਮ ਜੈ ਜਠੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਰਿਆਨੀ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਬਾਊਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ।